उत्तर प्रदेश के स्पोर्ट्स बजट से जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स बजट ज्यादा है। जीडीपी की अगर मैं बात करूं तो जो रिफॉर्म्स पिछले 4-5 सालों में हुए हैं उसका परिणाम ये हुआ है कि जीडीपी जो 18-19 में 1.6 लाख करोड़ हुआ करती थी वो आज हम 2.64 लाख करोड़ पर पहुंच गए। बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड रेवेन्यू रिसीव्स एंड असिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेक्टेड टू रीच 15% ऑफ द जीडीपी। 24-25 का अंतरिम बजट जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का ये पांचवां बजट है। एक बात मैं कह सकता हूं कि 5 वर्ष के भीतर नागरिकों के हित, समाज के संपूर्ण कल्याण, रोजगार के ऐतिहासिक आंकड़े, औद्योगिकरण की नई ऊर्जा और सामाजिक सरोकारों की पूर्णता ने जम्मू कश्मीर के आत्मसम्मान को जगाने का काम किया है। युवाओं के लिए बेहतर भविष्य की नींव तैयार करने में, किसानों का जीवन बेहतर बनाने में और आर्थिक और सामाजिक रूप से जो लोग हाशिए पर थे उनके जीवन में बड़ा बदलाव करने में, महिलाओं को शक्तिशाली बनाने में तथा वैभवशाली जम्मू कश्मीर बनाने में काफी हद तक सफलता हमें मिली। अगर टैक्स रसीद्स को हम देखते हैं तो पिछले 4 वर्षों में कंटिन्यूअस 12 से लेकर 15% की वृद्धि हुई है। जीएसटी जो लोग देते हैं उस संख्या को अगर आप देखेंगे तो 18 में 72,000 लोग थे, वो बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गए। जीडीपी की अगर मैं बात करूं तो जो रिफॉर्म्स पिछले 4-5 सालों में हुए हैं उसका परिणाम ये हुआ है कि जीडीपी जो 18-19 में 1.6 लाख करोड़ हुआ करती थी वो आज हम 2.64 लाख करोड़ पर पहुंच गए। जेके बैंक मैं बार बार कहता हूं कि एक जीता जागता उदाहरण है पिछले 4-5 वर्षों के परिवर्तन का, और ये ऐसी चीज है जो बहुत विजिबल है। मुझे याद है कि 4 सालों में कैसे बदल हुई, आप सब लोग इसके प्रत्यक्ष गवाह रहे हैं। आज करीब करीब 1.4 करोड़ बैंक अकाउंट हैं जिसमें 88% आधार इनेबल्ड है। जो टर्न अराउंड हुआ जम्मू कश्मीर बैंक का, मैं मानता हूं कि वो एक ऐतिहासिक है। 1200 करोड़ रुपए के घाटे में चलने वाला जम्मू कश्मीर बैंक आज लगभग 1300 करोड़ के प्रॉफिट में चला गया है। और सुबह मुझे फाइनेंस सेक्रेटरी बता रहे थे कि इस साल शायद ये प्रॉफिट 1800 करोड़ तक जा सकता है। टोटल बजट का जो साइज है वो 1,18,728 करोड़ का है। रेवेन्यू रिसीट्स 98,000 करोड़ की हैं और कैपिटल रिसीट हमारी 20,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे वास्तव में काम होता है वो 11,000 करोड़ से अब 38,000 करोड़ में 245% की ग्रोथ मैं समझता हूं कि शायद कहीं हुआ हो। रेवेन्यू रिसीट्स में जो एक्सपेक्टेड जंप है, 18-19 में जहां ये 51,000 करोड़ था, करीब करीब 92% इंक्रीज इसमें करने में हमें सफलता मिली। जीएसटी का जो टैक्स रेवेन्यू है इसमें भी 18-19 की तुलना में 51% से ज्यादा ग्रोथ हमारी है। बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड रेवेन्यू रिसीव्स एंड असिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेक्टेड टू रीच 15% ऑफ द जीडीपी, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फिगर है। उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन और एचएडीपी हमारा बहुत ही, मैं कहूं कि एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जो बार बार मैंने कहा है, स्कूल एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, रोड कनेक्टिविटी हो, रूरल हाउसिंग हो, सोशल सिक्योरिटी की कवरेज हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हमारे हो, ट्रांजिट एकोमोडेशन फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स हो, सोलर रूफ टॉप के लिए भी अच्छा एलोकेशन किया है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश के स्पोर्ट्स बजट से जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स बजट ज्यादा है, ये एक बात मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता स्पोर्ट्स के लिए कितनी है ये प्रमाणित करती है।